तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल में हम ये मानते हैं कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। देखो इस पूरे एग्जाम्पल में मैंने ये माना कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, पर आपको कि ज़रूरी कैसे, मैंने कुछ देर के लिए रेस बहुत तेज़ दबा दी तो वेलोसिटी एकदम तेज़ हो गई, एक्सेलेरेशन ज़्यादा थी। फिर दूसरे केस में रेस तो दबाई पर बहुत तेज़ ही दबाई, पिकअप ज़्यादा नहीं थी पर एक्सेलेरेशन थी। तो यानी कि प्रैक्टिकली एक्सेलेरेशन भी अपनी वैल्यू को क्या करती हैं, चेंज। पर मैं इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन लेके आना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि एक्सेलेरेशन पूरी जर्नी की कांस्टेंट है, मतलब एक बार रेस दबाऊंगा एक जैसी रेस दबाऊंगा। मतलब अगर मान लो 2 से 4 मीटर पर सेकेंड हो गया 2 सेकेंड में, तो 4 से 6 मीटर पर सेकेंड हो गया 2 सेकेंड में, 6 से 8 मीटर पर सेकेंड हो गया 2 सेकेंड में, तो प्रॉपर स्पीड बढ़ रही है, तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट मानते हैं। एग्जांपल ये है कि मान लो जब आपकी बॉडी यहाँ पे थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू, और आपने जब इसको देखा उसी टाइम स्टॉपवॉच आपने ऑन कर ली तो टाइम क्या है, जीरो। ठीक है, यहाँ तक आपने कहा कि इससे पहले क्या हुआ था, ये जब घर से चला था, मेरे को लेना देना ही नहीं है भाई, मैंने फोटो खींच ली और टाइम ऑन कर लिया, तब देखा उसकी वेलोसिटी यू थी, टाइम जीरो था। मेरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू, कुछ देर के बाद देखा टाइम क्या है, टी, और वेलोसिटी क्या है, वी, तो वेलोसिटी यू से वी हो गई, टाइम की वैल्यू जीरो से टी हो गई। तो किसी ने कहा इसका एक्स टी ग्राफ प्लॉट करो। यार मैं एक्स टी कैसे करूँगा, डिस्टेंस गिवन तो है नहीं, मुझे क्या पता यार। अब तुम अपने घर से चले, तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड, तुम मेरे ऑफिस आ गए, तुम्हारी वेलोसिटी लैंड करते हुए थी 10 मीटर पर सेकेंड, तो किसी ने कहा कि एक्स बताओ, यार मुझे क्या पता किस गलियां से घूम घूम के आ रहे हो, तुम यू और वी बताओगे, मैं एक्स कैसे बताऊंगा। लॉजिक है, मैं वेलोसिटी देखते हुए ये तो नहीं बता सकता कि आपकी गाड़ी ने कौन कौन से रास्ते कवर किए, तो इसलिए मैं इसका एक्स टी ग्राफ नहीं प्लॉट कर रहा, मैं कौन सा ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, वी टी ग्राफ, क्योंकि वेलोसिटीज गिवन है तो वेलोसिटी प्लॉट करूंगा, एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है तो एक्स टी ग्राफ भी प्लॉट कर दूंगा। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो मैंने इसका कौन सा ग्राफ प्लॉट किया, वी टी। जब ये बॉडी ए पे थी टाइम क्या था, जीरो, वी टी में टाइम जीरो ये मिलेगा, और ए पॉइंट पे वेलोसिटी थी कितनी, यू, तो मैंने ये मान लो वेलोसिटी का ये कोऑर्डिनेट क्या ले लिया, यू, तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी यू है, टाइम जीरो है, ए पॉइंट पे टाइम देखो जीरो है और वेलोसिटी यू है। फिर बी पॉइंट पे वेलोसिटी बढ़ गई, वी हो गई, टाइम टी टू हो गया, टाइम टी टू हो गया, वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो गई, वी, तो ये वी पॉइंट है। मतलब इस ग्राफ के अंदर ए पॉइंट की वेलोसिटी तो इसमें यू है, और ये अगर वी है तो ये वेलोसिटी भी कोऑर्डिनेट क्या है इसकी, V ही है, तो ये V है और ये U है, कोई डाउट इसमें, ठीक, तो ये U और ये V, ग्राफ क्लियर है। फिर किसी ने सलाह दी कि सर इसकी स्लोप निकाल दो, चल मैंने कहा कह रहे हैं तो स्लोप निकाल देते हैं। स्लोप के लिए एक ट्राइंगल सा बनाया, ये V था, ये U है, तो ये V माइनस U, और टाइम में T में से जीरो हो गया तो क्या आया, T। तो जब इसकी स्लोप निकली तो देखा तो स्लोप क्या निकली, टैन थीटा, बोलो इसका क्या होगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। देखा लगता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो नया रिजल्ट आ गया, लिखो फॉर्मूला रजिस्टर में, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ आपको क्या देगी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ विल गिव एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी।
एक चीज नोट करें, जो अभी हमने तीन रिजल्ट लिखे, आज के बाद अगर स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ आ जाए तो क्या? वेलोसिटी। स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ तो क्या? एरिया अंडर वी टी ग्राफ तो क्या? एरिया ऑफ ए टी ग्राफ तो क्या? मैंने कराया ही नहीं, मैंने ए टी ग्राफ कहाँ करवाया, मैंने कराया ही नहीं। ठीक है, ध्यान से, मैंने तीन ही चीज़ें करवाई हैं, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, मैंने एरिया नहीं बोला, फिर से, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ और एरिया अंडर ए टी ग्राफ, मैंने ए टी ग्राफ नहीं करवाया भाई, मैं नहीं करवाया, फिर से एक बार, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, एरिया अंडर वी टी ग्राफ, बस ये तीन बातें याद रखना, क्योंकि ग्राफ तीन ही आने वाले हैं आपको। ठीक, समझ में आ रहा है यहाँ तक? और कोई ग्राफ नहीं आने वाले, ए टी ग्राफ आता है लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा उसका क्या होता है, अभी नहीं, कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, अब एक चीज़ और नोट करने वाली है। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे आता है कि मान लो जैसे क्वेश्चन में गिवन है, आपको वेलोसिटी दी हुई है, टाइम गिवन है, कहेगा वी टी ग्राफ है। देखो, आपको सबसे पहली चीज़ ग्राफ के अंदर ये देखना होता है कि ग्राफ है क्या, किसका? वी टी का। वी टी का क्या रिजल्ट आता है आपको? स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, एक्सेलरेशन। एरिया अंडर वी टी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट। पूछी नहीं, क्या पूछे? तो क्या निकाल दें इसकी? स्लोप। तो ये 10, ये 4, तो ये 6 मीटर पर सेकेंड और ये 15 सेकेंड, तो स्लोप की जो वैल्यू आएगी, स्लोप की वैल्यू आएगी 6/15 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और यही क्या होगी? एक्सेलरेशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे? ठीक, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अभी हमने किया, ये रिजल्ट सारे अगर हम इकट्ठे करें तो स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ वेलोसिटी है। अगर आप इस लाइन को देखें तो ये स्लोप ना कांस्टेंट है। देखो लाइन, देखो स्लोप चेंज कब होती है? जब मैं ऊपर चढ़ रहा था, चढ़ाई ऊपर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, हम कह रहे हैं स्लोप चेंज हो रही है। यहाँ तो चेंज ही नहीं हो रही है, तो एक ही स्लोप है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक ही बार चढ़ रहे हैं, स्लोप कांस्टेंट है। ये फिजिक्स वालों का तरीका है समझाने का, स्लोप देखो चेंज कम ज़्यादा, मैथ वाला आएगा वो कहेगा ये क्या सिखा रहे हैं आप, बस ये बोलें स्लोप क्या होती है? टेन थीटा। तो मैथ वाला स्टूडेंट ये बोलेगा, सर आप चाहे पूरे ट्राइंगल का टेन थीटा ले लें, या इसका टेन थीटा ले लें, या इसका टेन थीटा ले लें, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से टेन थीटा सेम ही है, तो स्लोप सेम है क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू सेम है। पूरी लाइन लें या आधी लाइन लें, स्लोप कॉन्स्टेंट है। तो मैथमेटिकली बात समझ में आ गई और फिजिक्स वालों के हिसाब से समझ में आ गई। तो स्लोप आज के बाद अगर कॉन्स्टेंट है तो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो रिजल्ट ये है, आज के बाद ग्राफ में अगर आपको एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नजर आ गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। हमने स्लोप से लेना देना तो है नहीं, वो तो मैथ वालों का काम है, हमें तो वेलोसिटी से लेना देना है। तो आज के बाद कोई गाड़ी अगर कांस्टेंट मींस अगर मान लो स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, पर याद रखना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अगर एक्स टी ग्राफ में स्लोप चेंज हो रही है, देख रहे हो, तो स्लोप चेंज हो रही है, तो एक्स टी ग्राफ की स्लोप क्या देती है? वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, यानी कि इसके अंदर पक्का वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन होगी होगी। तो ग्राफ समझ में आ रहा है, रीड करना आ रहा है ग्राफ? जैसे वी टी ग्राफ, वी टी ग्राफ की जो स्लोप है वो कॉन्स्टेंट है, आप चेक कर सकते हो। तो वी टी ग्राफ है, वी टी ग्राफ की स्लोप कॉन्स्टेंट है, वी टी ग्राफ की स्लोप क्या देती है? एक्सेलरेशन। तो इसमें एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है क्योंकि स्लोप कॉन्स्टेंट है। तो जिन क्वेश्चंस में ये ग्राफ वी टी ग्राफ स्ट्रेट बनेगा तो बस समझ जाना वहाँ एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है। अगर ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा बन गया तो इसकी स्लोप कभी ज़्यादा कभी कम हो रही है, वी टी ग्राफ की स्लोप कॉन्स्टेंट नहीं है तो वी टी ग्राफ की एक्सेलरेशन भी चेंज हो रही है, कॉन्स्टेंट नहीं है। तो ग्राफ के कुछ मतलब हैं फिजिक्स में, समझ में आ रहा है कैसे मतलब समझने हैं? कोई डाउट इसमें? ठीक, तो ये यूज होंगे कॉन्सेप्ट आने वाले टाइम में अभी।